प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के खाली हजारों पद भरने की स्वीकृति मिलने के बावजूद प्रदेश में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगी है। शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम बडियाल ने कड़ा ऐतराज जताया है कि प्रदेश सरकार खेल नीति बनाने की बात कर रही है, मगर शारीरिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए कोई भी पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम बडियाल ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षकों के पद खाली होने से प्रदेश में खेल गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, मगर स्कूलों में छात्रों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए कम ही काम किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 1600 के करीब शारीरिक शिक्षकों के पद सालों से रिक्त चल रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम बडियाल ने कैबिनेट में शिक्षकों के पदों की मंजूरी मिलने के बाद से बहुत दुखी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा कि खेलों की गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और अच्छे परिणाम लाने के लिए जल्द प्रदेश में खाली पड़ी शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरा जाए। जो सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन किया है 2600 पोस्टें जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए निकाली है, नौकरियों का पिटारा खोला है, लेकिन शारीरिक शिक्षक संघ का प्रधान होने के नाते मुझे बहुत ही दुख हुआ इस बात को जान करके। फिजिकल टीचर की एक भी पोस्ट इसमें नहीं है और जो खाली पड़ी हैं लगभग 2000 के करीब हिमाचल प्रदेश में पोस्टें फिजिकल टीचर की, वो खाली रहेंगी। एक तरफ तो सरकार खेल नीति के तहत खेल नीति बना रही है कि बच्चों को सेंटर से ये खेल नीति बनेगी कि बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास करना है, अच्छे खिलाड़ी हमने पैदा करने हैं। जब पोस्टें ही नहीं देंगे तो कहाँ से अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से और शिक्षा मंत्री महोदय जी से पुरजोर मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी फिजिकल टीचर की जो पोस्टें हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। और हम नहीं चाहते कि कोई हमें और कदम उठाना पड़े। हम निवेदन ही करेंगे कि हमारी ये जो मांग है पूर्व मतलब वो जेन्यून मांग है, इसको पूरा करते हुए जल्दी से जल्दी सारी शिक्षकों को के पद भी भरे जाए सभी कर्मचारियों के लिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी पोस्टें निकलें। इसमें ड्राइंग मास्टर और फिजिकल टीचर ही नहीं है, ड्राइंग मास्टरों की भी पोस्टें होनी चाहिए और फिजिकल टीचर की भी पोस्टें होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन कि जल्दी से जल्दी हमारे भी इस मांग को पूरा किया जाए ताकि संघ जो है वो आपका आभार बाद में आभार प्रकट करेगा और संघ को भी संघ जरूर मांग करेगा। हम दुखी हैं इस बात से, कल से ही हमें टेंशन है कि फिजिकल टीचर की एक भी पोस्ट इसमें 2600 पोस्टों में नहीं दी गई है, तो कृपया इनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में 1600 के करीब शारीरिक शिक्षकों के पद सालों से रिक्त चल रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस पर हिमाचल प्रदेश शारीरिक शिक्षक संघ ने कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के पदों को भरने की घोषणा के साथ शारीरिक शिक्षकों के साथ ड्राइंग मास्टरों के रिक्त पद भरने की मांग की है।